अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे कि व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंड ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है, मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और समटाइम्स हम डिप्रेशन को समझ नहीं पाते। समटाइम्स सिर्फ आपकी वो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स आ रही होती हैं बड़े एक शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए। फॉर एग्जांपल आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आ रही, या किसी से बोलने को दिल नहीं कर रहा, और किसी बात पे आपका मूड इरिटेट है। उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। समटाइम्स आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, आपका बीपी वगैरह डाउन या जा रहा होता है, तो उसकी वजह से भी आपको मूड में बहुत चेंजेस आते हैं, तो वो तो आपका डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन क्या है? जब आप सफ़र कर रहे होते हैं अपनी उन सिम्टम्स को लेके, आप एक लंबे अरसे से उस फेज में होते हैं, तो आपका डिप्रेशन है। उसकी सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या हैं। बिला वजह रोते रहना, कोई वजह नहीं होती, और मायूस रहना, किसी से बात ना करना, अलग रहना, किसी से मिलने को दिल ही नहीं करता आपका, हाइजीनिकली आप बहुत पुअर हो जाते हैं, बिल्कुल आप मुंह धोना छोड़ देते हैं, बाल कंघी नहीं करते, अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते, इवन आप कोशिश भी करते हैं और आप कर नहीं पाते। उसके अलावा आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको भूख लगती ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट हो जाता है। प्लस आप अपने आप को एक नाकाम पर्सन जो है वो तसव्वुर करते हैं कि मैं नाकाम हूँ, और दूसरों को देखना कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं, उनसे लर्न नहीं हम करते, उनसे सीखते नहीं हैं, हम उनको देख के हसद करना, कॉम्प्लेक्स में आना, परेशान होना उस चीज़ को, उस बात को सोच सोच के, कोशिश नहीं करनी आपने कि उन जैसा काम करो, उस चीज़ को जस्ट फील करके डिप्रेशन में जाना। ये बहुत सारी इसकी सिम्टम्स हैं, और हम अपनी बहुत सारी चीज़ों का उस वक्त दूसरों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं कि इसकी वजह ये लोग हैं जो मेरे ये मसले मसाइल हैं, या फिर हम खुद को ठहरा रहे होते हैं कि हम अच्छे इंसान ही नहीं हैं, या हम बेहतर बन ही नहीं सकते। सो इस तरह की बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं जब हम उसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। अब हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसके दो तरह से, बल्कि तीन तरह से है। एक है आपका सेल्फ हेल्प। अगर आप में इतनी विल पावर है, आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप अपनी विल पावर यूज करके भी डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, वो बेहतर नहीं हो रहा, और जिस तरह से आप चाह रहे हैं, या उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, उसको दोबारा से बेहतर करने की कोशिश करनी है। ये है आपका एक होप का वे यूज़ करना, ठीक है, कि अपने आप को इतना मोटिवेट करना कि उम्मीद रखना कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर कर सकता हूँ काम, और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये आप इससे भी डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अपने आप को डाइवर्ट करना ताकि आप नेगेटिव थॉट से बच सकें। डाइवर्ट करना कि आप अपने आप को बिजी करें कहीं पे, लोगों में बैठें, लोगों से सीखें, लोगों को सुने। लोग जो कितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी है, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो कोई भी आपकी नज़र में जो बहुत आइडियल पर्सन है, तो उसकी लाइफ में भी टफ टाइम आया है, और उसने किस तरह से उसको टैकल किया, उन लोगों को सुने, पर्सन चूज करें और उसको अपनी बातें बताएं कि मैं किस तरह से इससे निकल सकता हूं, ताकि वो आपकी मदद कर सके। डिप्रेशन से निकलने के लिए एक और वे यूज़ किया जा सकता है, मेडिकेशन। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, और अपने आप को मोटिवेट करें, उन चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, आप में चेंज आ सकता है और डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन क्योरेबल नहीं है,
सिर्फ आपकी विल पावर है और राइट वे आपने चूज करना है कि मैं डिप्रेशन को किस तरह से ट्रीट कर सकता हूँ और उसको आपने फॉलो करना है। सिंपल सा वे है। थैंक यू सो मच।